हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव और लास्ट uh, क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल के गेन के केस में ट्रांसफर किस किस को बोला जाता है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस दोज आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर और ये हमें कौन से सेक्शन में बोला है सेक्शन फोर्टी एंड सेक्शन फोर्टी सो इसका फर्स्ट पॉइंट है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एच यू एफ एच यू क्या होता है हमें पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसको हम लोग बोलते हैं एच यू एफ सो ये क्या बोल रहा है टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एच यू किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर बंटवारा हो जाता है तो उससे क्या होता है जो एच यू एफ होता है वो ब्रेक हो जाता है सो so, जितने भी मेंबर्स हैं उस एचयूएफ में उन लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाता है सो so, इस केस में यहाँ पर सेल नहीं होती है तो कोई सेल कंसिडरेशन भी नहीं होता है तो इस केस में नो कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन हो जाता है यहां पर जीरो तो जैसे कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती है जिस केस में सेल कंसिडरेशन जीरो होगा लेकिन कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा और वहां से लॉस आ रहा होगा हमें उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है उसको ट्रांजैक्शन मानती ही नहीं है तो इस केस में भी ऐसे करता है क्यों ऐसे करता है क्योंकि यहां पे देखते हैं हम लोग सेल कंसिडरेशन जीरो है लेकिन यहां पे कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा तो यहां पर आ जाएगा हम लोगों का लॉस सो so, ये वाला जो लॉस है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम किसी और इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर देंगे तो उसमें गवर्नमेंट को ही लॉस होगा क्योंकि हम लोग का जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला गवर्नमेंट इसी लॉस को हटाने के लिए गवर्नमेंट बोला कि इसको हम लोग ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट में क्या बोला है। एनी ट्रांसफर ऑफ अ अ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट और विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट अगर हम लोग कोई चीज गिफ्ट दे रहे हैं तो उस केस में क्या है उस केस में भी सेल कंसिडरेशन जीरो ही है विल विल जो लोग बनाते हैं मरने से पहले अपने प्रॉपर्टी का उसमें भी आपको सेल कंसिडरेशन कुछ नहीं होता है सो so, पहले हम लोग देखते हैं रिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास uh, मेरा कोई प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल ये ये मेरा एक प्रॉपर्टी है और ये मैं किसी फ्रेंड uh, के नाम पर कर देती हूँ और बोलती हूँ कि आज से uh, 10 साल या 15 साल बाद तुम्हें मुझे ये चीज वापस करनी है तो वो हो जाता है रिवोकेबल ट्रस्ट और इ रिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है मैंने किसी को अपना प्रॉपर्टी दे दिया किसी के नाम पे कर दिया और मैं उससे वापस नहीं मांगूंगी तो ऑब्वियसली इस केस में ये जो ट्रांसफर है ये जिंदगी भर के लिए हो जा रहा है लाइफ टाइम के लिए हो जा रहा है लेकिन इस केस में भी हमारा जो सेल कंसिडरेशन है जीरो है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसे केस में जो कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है दैट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर सेम वाला ये जो कॉन्सेप्ट है लॉस हो जाएगा सेम वाला कॉन्सेप्ट पर ही ये बेस्ड है यहां पे लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन क्या क्या है इफ दीज आर सेटिस्फाइड मतलब अगर ये जो uh, सारे पॉइंट्स हैं अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में गिफ्ट विल या फिर इ रिवोकेबल ट्रस्ट भी ट्रांसफर माना जाएगा कौन सा केस इफ टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉई और उन्हें जो शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं अंडर ई सॉप ई सॉप क्या है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान उसके अंडर में अगर उन्हें कोई शेयर्स या डिबेंचर अलॉट हुए हैं और अगर वो ये शेयर्स या डिबेंचर्स को अपने किसी भी कंसर्न uh, पर्सन को गिफ्ट करता है इफ दी शेयर्स आर गिफ्टेड बाय द कंसर्न एम्प्लॉय टू एनी पर्सन अगर वो अपने किसी uh, जानकार को ये गिफ्ट कर देता है तो उस केस में ये क्या बन जाएगा दिस विल बी कॉल्ड अ ट्रांसफर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोला है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसिड बाई अ कंपनी टू इट्स हंड्रेड परसेंट सब्सिडियरी कंपनी प्रोवाइडेड द सब्सिडियर इज एन इंडियन कंपनी हमें तो पता ही है कि एक होल्डिंग कंपनी क्या होती है और एक सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है ये हम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा है सो होल्डिंग कंपनी एक कंपनी होती है और सब्सिडियरी कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी का मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर होल्डिंग होता है मतलब फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर होल्डिंग फिफ्टी वन परसेंट शेयर होल्डिंग जिस कंपनी में होता है किसी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल ये है एम प्राइवेट लिमिटेड और ये है ओ प्राइवेट लिमिटेड तो ये जो एम प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी इस कंपनी का जो टोटल शेयर्स हैं उसमें फिफ्टी वन परसेंट शेयर्स को होल्ड करती है तो ये कंपनी बन गई हमारी होल्डिंग कंपनी और ये वाली कंपनी बन गई हम लोगों की सब्सिडियरी कंपनी लेकिन यहां पर क्या बोला है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी कंपनी हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डिंग जिस आ, केस में होती है उस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी जिस केस में अगर कैपिटल एसिड एक होल्डिंग कंपनी से उसके होली ओन सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर होती है उस केस में इसको हम लोग नहीं मानते हैं कि ये एक ट्रांसफर हो रहा है लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन uh, रख दिया कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है इट हैज़ टू बी एन इंडियन कंपनी तो गवर्नमेंट क्या चाहती है गवर्नमेंट वॉन्ट्स द कैपिटल एसेट्स टू कम टू इंडियन कंपनीज इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया नेक्स्ट में क्या बोला है फोर्थ पॉइंट में बोला है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ हंड्रेड परसेंट सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी इफ द होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी ये वाले केस में क्या था होल्डिंग कंपनी से कैपिटल एसेट्स जा रहे थे हमारे होली ओन सब्सिडियरी कंपनी में लेकिन फोर्थ पॉइंट में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा इसमें बोला है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है सब्सिडियरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी में जा रही है एसेट्स कैपिटल एसेट्स तो इस केस में अगर ये जो होल्डिंग कंपनी है ये इंडियन है तो ये इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है सो so, इन दोनों केसेस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो भी फर्नीचर था हम लोग उसको उस नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो सामान तो हमारा ही हुआ घर तो दोनों ही हमारे ही है तो वैसा ही ये है इस कंपनी का और इस कंपनी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है तो अगर हम लोग कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर हमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी इफ द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी अमेल्गमेशन क्या होता है हमें पता है कि अगर दो कंपनीज मिल जाते हैं तो एक अमेल्गमेटेड कंपनी बन जाती है सो so यहाँ पर बोल रहा है कि दो कंपनी मिल गए यहाँ पे और एक कंपनी यहाँ पे बन गया एम और एन मिलकर यहाँ पर जो अमेलगमेटेड कंपनी है दैट इज ओ प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे में तो दोनों के ही एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे दोनों के ही कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होंगे तो लेकिन इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर अगर ये जो अमेल्गमेटेड कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है तो तो हमें बस यही ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ने जितना भी रूल्स बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं वो इंडियन कंपनीज में ही आ रही है यहाँ पर भी यहां पर भी यहाँ पर भी गवर्नमेंट इंडिया का ग्रोथ चाहता है हम लोग का लॉ सारा वैसे ही बनाया जाता है जिससे हमारे देश का ग्रोथ हो सो so, जो नया कंपनी बन रहा है अमेल्गमेटेड कंपनी वो अगर इंडियन है तो इसको हम लोग यहाँ से जो एसेट्स कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे सिक्स पॉइंट में बोल रहा है एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर डी मर्जर क्या होता है एक कंपनी से दो और कंपनी बनते हैं इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं दो कंपनीज में तो ये बोल रहा है एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द डी मर्ज कंपनी टू देयर रिजल्टिंग कंपनीज अगर रिजल्टिंग कंपनीज आर इंडियन कंपनीज बस कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल सेम है बस इसका जो प्रोविजन है उसमें थोड़ा सा changes लाया है एक कंपनी है जिससे दो कंपनी बन रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डीमर्ज कंपनी और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनीज अगर रिजल्टिंग कंपनीज दोनों इंडियन कंपनीज हैं तो यहां से जो कैपिटल एसिट इन दोनों को ट्रांसफर होगा उन पे हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है इसको हम लोग कैपिटल गेन्स के अंडर में ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे अब देखते हैं सेवेंथ पॉइंट में क्या बोला है एनी ट्रांसफ़र इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी ये भी अमेलगमेशन का ही केस है लेकिन अमेलगमेशन किन दोनों के बीच में हो रहा है ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विथ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सो बैंकिंग कंपनी और इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है छोटे मोटे जो बैंक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कंपनीज और जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ये बोल रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी छोटी कंपनी विथ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बड़ी कंपनी बड़ी बैंक और ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है दिस हैज टू बी सेंक्शन एंड ब्रॉट इन टू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा हो रहा है तो उसको भी हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एस हो गया या फिर पी हो गया पंजाब नेशनल बैंक हो गया ये सब हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज क्या है छोटी मोटी बैंक्स जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जितनी भी छोटी मोटी बैंक्स हैं वो सब मर्ज होकर बड़ी बैंक्स में चली जाए लेकिन जो छोटे मोटे बैंक्स हैं वो लोग अपना एक्जिस्टेंस नहीं गंवाना चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं ये चीज़ क्योंकि ऐसा करने पे उनके जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं वो सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में चले जाएंगे सो so, ये तो ऑब्वियसली ट्रांसफर नहीं है सो so, ऐसा ना हो कि उनके सारे एसेट्स भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाएं और उनको भी कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़े सो so, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया अगर कैपिटल एसेट छोटी बैंक से बड़ी बैंक में यानी कि बैंकिंग कंपनी से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर हो रही है तो उसको गवर्नमेंट ने ट्रांसफर के डेफिनेशन से बाहर कर दिया सो so दैट उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखते हैं एथ पॉइंट में क्या बोला है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट टू द गवर्नमेंट और अ यूनिवर्सिटी और नेशनल म्यूजियम नेशनल आर्ट गैलरीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेटे अगर ऑफिशियल गैजेट यानी कि जो भारत का राजपत्र है उसमें अगर यह नोटिफाई किया गया है कि कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर और ये जो कैपिटल एसेट है यह किस किस टाइप का है कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है कोई भी आर्टिस्टिक uh, वर्क है अगर या फिर कोई फेमस बुक है या फिर किसी बुक का मैनोस्क्रिप्ट है मतलब जैसे कि कोई फेमस बुक है लेकिन उसका जो ओरिजिनल मैनोस्क्रिप्ट है वो अगर आपके पास है या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल या साइंटिफिक या आर्ट कलेक्शन है तो वो या फिर किसी फेमस आर्टिस्ट का ड्राइंग या फिर पेंटिंग है या फिर कोई बहुत पुराना फोटोग्राफ है जैसे कि uh, फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्सटीन हंड्रेड बी सी में क्या हुआ था उसका अगर है या फिर कोई अच्छा प्रिंट है तो वो क्या करता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गैजटे में तो वो उसका ट्रांसफर को भी हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं अंडर कैपिटल गेंस अगर वो हम लोग गवर्नमेंट को दे देते हैं गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देते हैं तो हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है Point में क्या बोल रहा है देखते हैं फॉर एग्जाम्पल uh, कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर बॉन्ड है एक पर्टिकुलर कंपनी का और उसी को ही हम लोग शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉन्ड है ये हम लोगों ने सौ रुपए में लिया था छः साल बाद जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया है वो छः सौ हो गया है छः साल बाद ये छः सौ हो गया है फॉर एग्जाम्पल तो ये वाला जो ट्रांसफ़र है ये वाला जो ट्रांसफ़र है इस ट्रांसफर पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये इसको हम लोग ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे ये ट्रांसफर है ही नहीं लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया ये वाला जो ट्रांसफर है यानी कि जब इक्विटी शेयर्स को हम लोग बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला इक्विटी शेयर जब मैंने छ साल बाद ट्रांसफर किया था इसका प्राइस था छह सौ रुपए और मैंने इसको सेल किया कितने में सेवन फिफ्टी में आठ महीने बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेल कर दिया सेवन फोर्टी में तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि ये जो सेवन फोर्टी का सेल हुआ है ये सेल पर इसको हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग ट्रांसफ़र भी कहेंगे और इस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत भी है कैपिटल गेन टैक्स पे करना ही है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस पर हम कितना टैक्स देंगे सेल हुआ है सेवन फोर्टी में और हमने इसको कितने में ख़रीदा था इसको हमने खरीदा था सौ में स्टार्टिंग में हमने इसको सौ रुपये में खरीदा था तो हम लोग का इसमें गेन कितना हो रहा है गेन हो रहा है टोटल सिक्स फिफ्टी रुपीज़ का सो so ये जो सिक्स फोर्टी रुपीज़ का हम लोग का गेन हुआ अब हम लोग ऑल ये चीज़ हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि ये जो सिक्स फोर्टी है इस पर हमें क्या देना पड़ेगा इसको क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र मान रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स में बोला है कि ये ट्रांसफ़र होगा तो इस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करने की ज़रूरत है सो so, ये जो 640 का हमारा गेन हुआ इस पर हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करेंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करेंगे तो ये हम लोग किस पर डिसाइड कैसे डिसाइड करते हैं हमें पता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है उसके होल्डिंग पीरियड पर तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है ये हम लोगों का जब कन्वर्जन हुआ कन्वर्जन से लेके सेल तक में जितना भी ड्यूरेशन है जैसे कि इस केस में ये है एट मंथ्स का तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आठ महीने का तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स और शेयर्स के केस में आ, हम लोग का शॉर्ट लॉन्ग टर्म कब होता है कैपिटल एसेट अगर वो बारह महीने से ज़्यादा बारह महीना एक दिन पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है और बारह महीने तक वो क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड तो इस केस में भी ये हो जाएगा हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें ये वाला जो छः साल है इसको हमें नहीं लेना है ये सिक्स इयर्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना है यहाँ पर होल्डिंग पीरियड तब से ही होगा जब से कन्वर्जन हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसका और ये जो आठ महीना है ये भी हम लोग का इंडेक्सेशन पीरियड है और इंडेक्सेशन पीरियड क्या है इंडेक्सेशन क्या है ये हम लोग आने वाले आगे के क्लास में पढ़ेंगे बस आप लोग इतना जान लीजिए कि ये जो आठ महीना होता है इसको हम लोग जो इंडेक्सेशन पीरियड होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर आठ महीना ही लेते हैं और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके इसमें इंडेक्सेशन का यूज़ होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का कोई यूज़ नहीं होता है सो so, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो शेयर विथ योर सी एम ए फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट